केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में इस वक्त देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया हुआ है, जिससे आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हिट एंड रन के नए कानून, जिनका ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया और मैं हूँ कीर्ति सलाथिया। हाजिर हुई हूँ एक रिपोर्ट लेकर हिट एंड रन केस के ऊपर। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया था और इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन इस कानून में ऐसा क्या है जिसे लेकर विरोध हो रहा है, चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ या उसे छोड़कर मौके से भाग जाना। पुराने कानून के तहत अगर एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर या फिर गाड़ी छोड़कर भागता है तो उसे हिट एंड रन केस कहा जाता था। पुराने कानून के मुताबिक ऐसे केस में ड्राइवरों को जमानत मिल जाती थी और ज्यादा से ज्यादा उन्हें 2 साल की सजा होती थी। लेकिन इस नए हिट एंड रन कानून के तहत अब ड्राइवरों को मौके से भागने पर 10 साल की सजा और साथ ही भारी जुर्माना भी हो सकता है। और इस नए कानून का इस वजह से ड्राइवर जो है वो विरोध कर रहे हैं और वो इस नए कानून से खुश नहीं है। अगर बड़ी अफसोस की गल है कि नवे साल के ड्राइवर तबके एक बड़ा गलत एक बड़े काले कानून का जोड़ा एक सामना करना पे, जोड़ा एक प्रपोजल हिंदुस्तान के होनेबल होम मिनिस्टर जी ने एक प्रपोजल दिता है, उदा असी आल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसीएशन कड़े शब्दों के निंदा करती है, क्योंकि ये प्रपोजल वो है जिथे गरीब का गला दबाने वाला काम है। ड्राइवर कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कदे भी जान के एक्सीडेंट करे, क्योंकि उसकी अपनी जान भी उस गड्डी दे विच है, वो आप भी उस गड्डी दे विच है। ऐसा कदे भी नहीं हो सकता कि ड्राइवर जान के एक्सीडेंट करेगा। सो असी होनेबल होम मिनिस्टर जी नूं ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जिहड़ा प्रपोजल दिता है काले कानून का, इस ते फिर तो विचार किया जाए। और जो पहले का प्रावधान है, क्योंकि साढ़े तो इंश्योरेंस एक्ट लागू होता, असं लख लख रुपये इंश्योरेंस देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए दिन, ड्राइविंग लाइसेंस साढ़े वैलिड हैं। हाँ, किसी ड्राइवर का कोई डॉक्यूमेंट कमी है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, साढ़े हिल के ड्राइविंग लाइसेंस हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड हैं और इंश्योरेंस है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर जिहड़ा पुराना प्रावधान से उस प्रावधान के तहत ही जिहड़ी बनती कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। इस नवे प्रपोजल का असी कड़े शब्दों के खंडन करते हैं कि ये जिहड़ा नवा प्रपोजल है इसे वापस लिया जाए और पुराने प्रावधान नूं ही बाल रखिया जाए। काला कानून वापस करो। हाँ जी, असी सारे ड्राइवर साहबानों ने बेनती करती है कि कोई भी रिस्क ना ले। उस दे विच खाली ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, ये आल इंडिया दी आवाम है, क्योंकि तुसी भी गड्डियां चलांदे हो, तुसी भी ड्राइवर हो, हर एक बंदा जिहड़ा गड्डी चला रहा है वो ड्राइवर है। ये खाली ट्रांसपोर्ट दे सिर ते नहीं पई कि असी अज बंद दी काल दे रहे हैं, असी हिंदुस्तान दी आवाम दे लई जिहड़ी है असी ये बंद दी काल दे रहे हैं, क्योंकि ये जिहड़े कानून हैं ये पूरे हिंदुस्तान दी आवाम नूं इफेक्ट करनगे। सो असी हुण तों लै के टोटल बंद, साडा वैसे कल तों लै के रूट बंद सन, मगर असी ऑफिशियली अनाउंस जिहड़ी है हुण कर रहे हैं कि साडियां टोटल गड्डियां जिहड़ियां बंद रहणगियां। और टोटल प्राइवेट वाले भी जिहड़े साडे बंदे हैं, जिहड़े भी साडे साडी आवाज जिन्हां तक पहुँच रही है, हर एक नूं यह रिक्वेस्ट है कि टोटल गड्डियां अपनियां खड़ियां कीतियां जाण, ताकि इस काले कानून का प्रपोजल जिहड़ा वापस लिया जाए।
तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, अगली रिपोर्ट लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे कीर्ति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। नमस्कार।